तो राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल सबके? कैसे हो सब? तो वापस से आ चुके हैं एक न्यू वीडियो में। तो यार, ये मेरा वही आइडिया जिसमें मैंने ब्रॉन्ज टू ग्रैंड मास्टर पुश किया था। हालांकि यार मैंने ग्रैंड मास्टर ड्रॉप कर दिया था, लेकिन इस साइड में पुश करने वाला हूँ वेपन ग्लू टाइटल। क्योंकि देखो यार, मैंने जब ब्रॉन्ज टू ग्रैंड मास्टर पुश करना चाहा तो उस समय मैंने कोई टाइटल पुश नहीं कर पाया, यहाँ पर आप देख सकते हो। बात तो सही। तो सोचा क्यों ना इस वाले आईडी में एक टाइटल ले ही लिया जाए। हालांकि मेरे मेन आईडी में देखा जाए तो मैंने बहुत सारे वेपन टेक्नोलॉजी टाइटल पुश किया हूँ, जिसमें आपको भांति भांति प्रकार गन देखने को मिल रहा है, अभी इंडिया टॉप वन। तो चलो यार, मैंने तो इस वाले आईडी में बहुत सारा गन वेपन ग्लोरी टाइटल पुश किया। अब मैं चलता हूँ नुबड़े वाले आईडी में पुश करने। पहले तो यहाँ पर मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरे कौन सा गन में पुश करना चाहिए। इसके लिए तो पहले मैं लीडरबोर्ड वेपन ग्लोरी में जाऊंगा। मैंने तो अपने मेन आईडी में लॉन्ग रेंज वाले गन में बहुत सारे वेपन ग्लोरी टाइटल पुश किया, लेकिन शॉर्ट रेंज में बहुत ही कम पुश किया हूँ। तो सोच रहा हूँ क्यों ना शॉर्ट रेंज वाले गन में पुश किया जाए वेपन ग्लोरी टाइटल। तो यहाँ पर देखता हूँ जिस गन में कम ग्लोरी होगा भाई उसी में पुश करूंगा। तो यहाँ पर M10 में तो बहुत सारा है, और शायद मेरे को चार्जर बूस्टर पुश करना चाहिए, क्योंकि देख सकते हो एक ही बंदा भाई बैठा है चार्जर बूस्टर में। सही पकड़े हैं। तो फिर क्या यार, चलो चलते हैं चार्जर बूस्टर पुश करने और लगा देंगे भाई अपने जिले में टॉप वन। चलो भाई देखो अपने क्या करते हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर टोंका सुपर। तो भाई अरे, मेरा फर्स्ट मैच है और मैंने कभी चार्जर बूस्टर चलाया नहीं, तो अच्छे से नहीं चला पाऊंगा। तो सामने एक बंदा मेरे को दिखाई दिया। चलो इसके यहाँ पर सोनी एक्टिवेट, और ये हो चुका है खत्म। मेरा यहाँ पर पहला किल तो हो चुका है। सामने एक और बंदा है, और मैं आप लोग को फिर से बोल रहा हूँ कि मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है चार्जर बूस्टर पे। तो यार ऐसे में शॉर्ट रेंज में बंदों को मारना चाहूँ तो कभी भी टपक सकता हूँ, लेकिन मैंने फिर से एक बंदे को यहाँ पर मार दिया। मतलब यार मैं फर्स्ट बार चला रहा हूँ, मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं, फिर भी यार मैं बंदे को मार दे रहा हूँ, क्या बात है भाई। अब ये बात है, एक बंदा तो यहाँ पर मेरे को फैक्ट्री के ऊपर दिखाई दे, ये रहा भाई, ये लड़की है, शायद सोनियो करेक्टर के पास देख के मारना पड़ेगा यार इसको, नहीं तो यार सोनियो वाले बहुत ही डेंजर होते हैं अभी के टाइम में, सोनी यूज कर रहे बंदे। चलो इसको एक शॉट करने को, दूसरा शॉट करने को, तीसरा शॉट, इसका सोनियो एक्टिवेट और भाई खत्म। यहाँ पर देखो यार, एक बंदा गाड़ी से जा रहा है, लेकिन इसको पता नहीं कि मैं इसकी गाड़ी के सामने टपकने वाला हूँ, और भाई एकदम गाड़ी पे एक जी टपका और बंदे को शायद कनेक्ट। चलो अरे यार, बैटिंग बैठ गया, एक करने को भाई। अब इसको यहाँ पर चार्जर बूस्टर से बूस्ट करेंगे, और भाई ये सोनी एक्टिवेट और हो गया खत। अरे भाई डाउन होगा। खत्म। एक हिटिस वाला बंदा था यहीं पे होना चाहिए भाई, और इस पे हेड में एकदम, ओ माय गॉड सोनी एक्टिवेट। और अब लास्ट वाला बंदा ही बचा हुआ, मेरे को लग रहा है सामने की साइड ये रहा भाई, यहाँ पर दिखाई दिया मेरे को, इसको मार के AWM का, ये पकड़ दे 150 150। अरे यार मिस हो गया, दूसरा कनेक्ट करेंगे और इसमें हेड में सीधा। अरे भाई ये 184 लगा है। ये रहा बंदा ग्लोबल पे, और इसको लेकिन एम मिस हो गया, चार्जर चलते ही भाई ग्लोबल लगा दे, कोई नहीं मारेंगे इसको जरूर, और बंदा इस साइड से आएगा शायद, लेकिन बंदा इस साइड से यार भाई पूरा रहे थे, बचा दिया मेरे को। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, तुरंत मेरे को मेडी मारना पड़ेगा बंदा दो बजे भाई यहाँ से, लेकिन यार डाउन हो गया। सिट 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 सिट, मत मारना भाई, प्लीज प्लीज मारना यार मत यार भाई। चलो यहाँ पर तो मैं बच चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर गूगल फोड़ेंगे, लेकिन बंदा नेट डालेगा, जब बंदा नेट डाल दिया और भाई खत्म। बोला था यार एक्सपीरियंस नहीं हुआ, फर्स्ट गेम था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर तो हमारा बुआ मिशन हो गया, लेकिन जो वेपन ग्लोरी था वो हमको पूरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलो यार सामने साइड बहुत ही घमासान फाइट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी करेंगे। मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, दोनों को दिखाता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने तो बोला कुछ दिखाता हूँ। चलो एक बंदा ही बचा है यहाँ पे, और इसके यहाँ पर चार गुस्से से पुश करेंगे, ये रहा भाई और खत्म। ऑल राइट भाई लोग, लास्ट वाला बंदा ही बचा, और ये रहा गूगल के पीछे, साला घुमाए के चार्ज करेंगे, दबाए के मारेंगे, और भाई खत्म। जो मेरे सामने एक बंदा है भाई, बहुत ही ज्यादा प्रो है, मतलब इतना ज्यादा प्रो पंथी दिखा रहा है कि क्या बताऊं, जोन में खुद नहीं जा रहा हूँ ना मेरे को जाने दे रहा है। चलो बंदा पीछे की साइड में गया घर के उधर, मैं इसी का फायदा उठाता हूँ, मेरे पास यहाँ पर स्पाइडर गन है, तो मैं स्पाइडर गन से सीधा उसके छत पे छलांग मारूंगा, उसके बाद भाई उसको दिखा देंगे पावर। तो ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं छत के ऊपर, और बंदा ही पे होगा, चार्ज करेंगे और भूम 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 भूम। एक बंदा यहाँ से ऊपर से बहुत ज्यादा फायरिंग कर रहा है, बंदे को मारे जा रहे हैं, ये रहा भाई सामने, चलो इसको मारते हैं और चार्ज करेंगे।
देखा जाए तो लास्ट जोन है और दो बंदे बचे सामने के साइड, दोनों बंदे शायद फाइट कर रहे हैं। मेरे को थर्ड पार्टी करना चाहिए, ए रहा बंदा, इसको चार्ज करके मारेंगे एक गोली। चलो कनेक्ट हुआ और इसका सोनी एक्टिवेट खत्म। लास्ट वाले बंदे को कहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन शायद बंदा लग रहा है नीचे की साइड चला गया है। ये रहा भाई नीचे के साइड, आओ उसको चार्ज कर मारेंगे, गोली कनेक्ट हुआ दूसरा तीसरा और भाई इसको नहीं यार खत्म नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, एक बार गोली का बचा है और इसको चार्ज करेंगे और यहाँ पे शायद नहीं, और चलो फाइनली खत्म। भाई यहाँ पर मैं वन गोली पुश कर रहा हूँ, फिर रैंक पुश कर रहा हूँ यार, मतलब डायमंड वन से सीधा डायमंड थ्री पे आ चुका हूँ। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा यार, अगर आप वेपन गोली पुश कर रहे हो तो आप उस गन को लेके चलो तो भाई आपका रैंक आराम से प्लस हो जाता है। अगर विश्वास नहीं होता तो भाई खुद ट्राई करके देखना, आपको आप विश्वास हो जाएगा। चलो सामने साइड एक बंदा दिखा और इसको मारेंगे, लेकिन ये झाड़ी है तो इस पे एम नहीं आ रहा है। एक गोली तो इसको कनेक्ट हुआ लेकिन एम टू चला है, पर भाई इसको मैंने फाइनली यहाँ पर मार दिया। यहाँ पर मैं एक बंदा से फाइट कर रहा हूँ लेकिन बंदा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, पर भाई किसी ने मारा। अरे भाई भाई थोड़ा सा एचपी बच गया, 10 HP का यार। चलो भाई ग्लूबल से घिर गया तो बच गया, नहीं तो बंदा मेरे को तो मार ही देता। मेडिकेट पहले मारते हैं, क्या पता बंदा ग्लूबल के अंदर आ जाए। अब यहाँ पर मेरे को क्यों लग रहा है कि एक और बंदा आ चुका है थर्ड पार्टी करने के लिए, तो देखा जाए तो सच में यार देखो नीचे से आ चुका है और यहाँ पर इस वाले बंदे को शायद लुड़का रहा है भाई। चलो लुड़का दिया, अब यहाँ पर काम करते हैं ग्लूबल तोड़ते हैं, उसके बाद इस वाले बंदे को माइंड लुड़का दिया। चलो ग्लूबल टूट गया और बंदा ये रहा। यहाँ पर देखा जाए तो सामने की साइड एक बंदा है और वो बंदा टावर के ऊपर चढ़ रहा है, तो इसको यहाँ पर काफी तगड़ा डैमेज दिया हूँ मैं। चलो टावर के ऊपर चढ़ते हैं, उसके बाद बंदे को सीधा फिनिश देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बंदा ग्लूबल लगा चुका है पहले, तो इसको मैं ग्लूबल तोड़ूंगा। चार बूस्टर थे, चलो एक बूस्टर हुआ, दो टूट गया और तीसरा नहीं पड़ा यार। चलो कोई नहीं, बंदे को मारेंगे। बंदा नीचे चला गया और भाई फाइनली इसको यहाँ पर मैंने फिनिश भी कर दिया। देखो यार एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप किसी भी गन में वेपन ग्लोरी पुश कर रहे हो तो आपको 3 किल करना जरूरी है। अगर 3 किल नहीं करते तो आपको फुल वेपन ग्लोरी नहीं मिलता है। मैंने तो इस वाले गेम में 2 किल कर लिया। एक बंदा सामने साइड है तो इसको मारेंगे, तो ये रहा भाई, इसको एक गोली कनेक्ट हुआ और दूसरा मिस हो गया तीसरा, लेकिन बंदा तो भाई नीचे के साइड साइड कूद गया है और ये रहा बंदा भाग रहा है। चलो चार बूस्ट करेंगे और इसका सोनिया वेट बंदा, चलो फाइनली हो चुका है फिनिश। एक बंदा आ रहा है सामने और ये मेरे को काफी प्रो लग रहा है, लेकिन भाई चार्जर बूस्टर के सामने कोई बोल सकता है क्या? चलो लास्ट वाला बंदा ही बचा है और ये रहा सामने की साइड, घर के अंदर है, जो इसको ग्रेनेड डालेंगे, तो चलो डाल दिया और बंदा ग्रेनेड से फटा और इसको चार्जर बूस्टर बूस्ट किया और फाइनली हो चुका है हमारा यहाँ पर भूया। चलो यहाँ पर एक लास्ट वाला बंदा बचा है, इसको चार बूस्टर बूस्ट करके मारेंगे। जो हेडशॉट लगा है, 2 हेडशॉट लगा है बंदा, एक गोली का बचा होगा और इसको यहाँ पर बूस्ट करेंगे और खत्म। इसी बुई के साथ यहाँ पर हमारा लग चुका है डायमंड 4 से सीधा हीरोइक। और मेरा हीरोइक लगने के बाद मैंने बहुत सारा गेम प्ले किया जिसमें मैंने चार्जर बूस्टर से बहुत ज्यादा किल किया। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि मेरा जो रैंक है बहुत हाई हो चुका है और जो मेरा वेपन ग्लोरी टाइटल हो मेरे को मिल चुका है। और आपको लास्ट में वीडियो मजा नहीं आ रहा हो क्योंकि भाई मेरे को भी मजा नहीं आ रहा है, दिन भर पुश करके भाई दिमाग खराब हो गया, लेकिन फाइनली यहाँ पर मेरा लग चुका है टाइटल। अब यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ में लगाऊंगा, नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलेगा कि हमारा जो एरिया है मतलब स्टेट है उसमें लगाऊंगा मैं। और ये जो वीडियो है आपको 1 या 2 दिन बाद मिलेगा, तो देखना यार बहुत ही तगड़ा वीडियो होगा। ये वाला वीडियो तो आप लोग को बहुत ज्यादा बोर लगा होगा, मतलब उतना खास मजा नहीं आया होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आएगा भाई बहुत तगड़ा बनाऊंगा। तो चलो खैर, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा और बहुत सारा प्यार दिखा है तो दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय इंग्लिश में बाय।